नगर विकास मंत्री ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पूरे कैंपस का किया निरीक्षण। साफ सफाई और सुविधाओं को लेकर भी डॉक्टरों से की बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और नगर विकास मंत्री ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मरीजों का हालचाल पूछा और डॉक्टरों से भी बातचीत की। ए.के. शर्मा ने कुपोषण के शिकार शिशुओं की ली जानकारी। मंत्री के साथ रही दिवाकर कुशवाहा और अन्य प्रतिनिधि। और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल के साथ। तो अनिल, बताइए कि क्या है इस मामले में पूरा अपडेट और क्या क्या इनके आगे के प्लान है मंत्री जी के? देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का बड़े कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उसी के तहत एक अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और लगातार सभी शहरों में और सभी राज्यों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसको तहत बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह इस अभियान में अपना सहयोग दें और श्रमदान करें और लोगों को भी श्रमदान के लिए प्रेरित करें, ताकि अपना जो शहर है, अपना राज्य है, अपना देश स्वच्छ बने और ये जो स्वच्छता का अभियान है ये लगातार निरंतर चलता रहे। जिसके तहत यमुना घाट पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ ली गई और वहाँ पर अभियान चलाया गया। खुद जो नगर विकास मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने खुद वहाँ पर श्रमदान दिया और काफी सारे एनसीसी कैडेट्स उनके साथ रहे, जिसके बाद उनका दौरा औचक निरीक्षण जिला अस्पताल में हुआ। जिला अस्पताल में सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ एडी हेल्थ डॉक्टर चंद्रशेखर और उसके साथ प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर अनिता शर्मा भी वहाँ पर खुद मौजूद थी, डॉक्टर सीपी वर्मा वहाँ मौजूद थे। सभी कर्मचारियों को उन्होंने स्वच्छता की शपथ दिलाई, उसके बाद खुद स्वच्छ श्रमदान 1 घंटे श्रमदान किया वहाँ पर। तो काफी ये प्रेरणादायक ये मुहिम है और लगातार इससे लोग जुड़ रहे हैं और काफी इस मुहिम की सराहना हो रही है और सभी पार्टी के पदाधिकारी, हर स्तर का पदाधिकारी इसमें अपना सहयोग दे रहा है। जी अनिल, ये बताइए कि जब मंत्री वहाँ पहुँचे जिला अस्पताल, तो उन्हें कुछ खामियां मिली अस्पताल में या फिर सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से मिला? देखिए, चूंकि सूचना पहले ही रहती है अस्पतालों में या सरकारी कार्यालयों में, कभी भी एक प्रोटोकॉल जारी होता है जिसके तहत पता होता है कि मंत्री जी का दौरा कब है, कितने बजे है। तो अधिकांश देखा गया है कि किसी मंत्री के आने से पूर्व भी व्यवस्थाओं को तैयार कर लिया जाता है, तो ऐसे में खामियां मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जो बातचीत केवल सफाई अभियान की थी, तो इतना ज्यादा गौर नहीं किया गया कि खामियों पर, लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं थी वो आपने काफी बेहतर पाई और उसके बाद उन्होंने जो प्रमुख अधीक्षक हैं उनको धन्यवाद दिया व्यवस्थाओं के लिए और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सफाई व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए वो तमाम प्रयास उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं और जो सहयोग सरकार से चाहिए वो सहयोग भी उन्हें समय समय पर मिलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि नगर विकास मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और उन्हें कोई भी खामी वहां नहीं मिली। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पूरे कैंपस का निरीक्षण किया और साफ सफाई व सुविधाओं को लेकर डॉक्टरों से भी बातचीत की। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मरीजों का हालचाल पूछा और कुपोषण के शिकार शिशुओं की जानकारी ली। आपको ये भी बता दें कि मंत्री के साथ दिवाकर कुशवाहा, यानी जो मेयर कुशवाहा हैं, और उनके साथ अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्री बोले, जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायत नहीं मिली है उनको। आपको बता दें कि ये जिला अस्पताल का आज उन्होंने निरीक्षण किया है। आज स्वच्छांजलि की, महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि भी दी। आपको यह भी बता दें कि नगर विकास मंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां पर मरीजों का हालचाल भी जाना।